ये एक्ट्रेस उल्का गुप्ता तो आपको अच्छी तरह याद होंगी, जिन्होंने जीटीवी के सीरियल रानी लक्ष्मीबाई में उनके बचपन का रोल निभाया था। मनु के उस किरदार को अगर आपने एक भी बार देखा होगा तो आप उसे भूल नहीं पाएंगे। उल्का ने उस रोल को ऐसे निभाया कि वो एक मिसाल बन गया। उस रोल के लिए उल्का ने घुड़सवारी से लेकर तीरंदाजी, तलवारबाजी सब कुछ सीखा था। तब उल्का को देखकर लोग यही कहते थे कि ये लड़की बड़ी होकर बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी, लेकिन उल्का की कहानी तो कुछ और ही निकली। उल्का ने फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों में क्या झेला, उसका खुलासा खुद उन्होंने किया है। उल्का ने बताया है कि कैसे ना सिर्फ उन्हें फिल्मों बल्कि टेलीविजन सीरियल से भी उन्हें निकाल दिया गया। एक इंटरव्यू में उल्का ने कहा, मैंने अपनी नौकरियां खो दी। सांवली स्किन टोन वाले लोगों को गाँव वालों की तरह देखा जाता है और गोरे लोगों को ऊपर के तबके का माना जाता है। ये बड़ी आम बात है, लेकिन मुझे ये अब तक समझ नहीं आया कि ये सोच कहाँ से आई। भले ही मैंने झांसी की रानी सीरियल किया है, लेकिन मेरे स्किन टोन की बदौलत मुझे अब भी अलग तरीके से ही देखा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री और टीवी चैनलों में मुझे ठुकरा दिया गया। यहाँ तक कि जब मैं तेलुगु फिल्म करने गई तो सिर्फ मेरी स्किन के रंग के आधार पर उन्हें लगा कि भले ही मैं सुंदर हूँ, लेकिन मेरी स्किन सांवली होने के कारण शायद मैं हीरोइन नहीं लगूंगी। लेकिन मैंने इन सब का मुकाबला किया। स्किन टोन से हट के सोचने के लिए केवल अच्छे और क्रिएटिव दिमाग वाले लोगों की ज़रूरत होती है। पिछले दिनों खबर आई थी कि उल्का गुम है किसी के प्यार में शो में जल्द ही एंट्री करने वाली हैं। 20 साल के लीप के बाद सई की बेटी सबिका किरदार को लेकर उल्का का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब उल्का ने इस खबर की सच्चाई बताई है। उल्का ने बताया है कि इस रोल के लिए मेकर्स ने उन्हें अप्रोच तो किया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया है। उल्का के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार हो रहा है और इसकी सिर्फ एक वजह है, वो है सांवलापन। ये भेदभाव किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री की नसों में घुसा हुआ है। भले ही ये लोग भेदभाव को लेकर कितना भी ज्ञान क्यों ना दे दें, लेकिन सच यही है कि यही लोग अपने एक्टर्स के साथ भेदभाव करते हैं। वेल, उल्का के इस खुलासे पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।